हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ग्रो पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 7 QC टूल्स। QC टूल्स यानी कि 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको रूट कॉज के साथ एनालिसिस करना और उस रूट कॉज को ख़त्म करना ये 7 QC टूल्स के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। हम इस वीडियो में आज देखेंगे कि 7 QC टूल किस तरह एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए आवश्यक है और किस तरह से उनको यूज किया जाता है। मेन टॉपिक रहेगा हिस्ट्री 7 QC टूल्स की, कि 7 QC टूल्स की जरूरत कहाँ से पड़ी और वो कैसे अस्तित्व में आए। उसके बाद एक गुड अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए 7 QC टूल्स किस तरह से हेल्प कर सकते हैं और 7 QC टूल्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम लोग 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स को वन बाय वन कवर करेंगे और उनको यूज कहाँ कहाँ पर किस तरह किया जाता है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि अभी तक हमारे वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं, एक फर्स्ट वर्ल्ड वार, एक सेकेंड वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद रिकवरी इतना तेजी से नहीं हुआ था जितना कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ है। आप दोनों स्क्रीन पर फिगर देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट फिगर में आप देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के जस्ट बाद जापान का क्या सीन है। एक बंजर सा है, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। और दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं आज का जापान, मॉडर्न जापान। तो ये जो तबाही हुई सेकेंड वर्ल्ड वार में, उसके बाद से लेकर आज तक जापान ने अपने आप को किस तरह ट्रांसफॉर्म किया, किस तरह उसने टेक्नोलॉजी का यूज किया, वो सारा हो पाया है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि उन्होंने इंडस्ट्री को ग्रो किया है, बिजनेस को ग्रो किया है। जैसे जैसे इंडस्ट्री और बिजनेस ग्रो करता गया तो जापान का ये परिवर्तित रूप सबके सामने आया। तो वहीं से शुरुआत होती है कि इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता है। तो दोस्तों, किसी भी बिजनेस को, किसी भी इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए सबसे पहला चाहिए होता है पैसा। पैसा लगाने के बाद उस पैसे का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हमें उसको पैसा का जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो रिटर्न मिलेगा या नहीं। उसके लिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हमको अपना मार्केट में वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, यानी हमको एक बड़ा मार्केट चाहिए। बड़ा मार्केट कब बनता है? जब हमारे पास बहुत ज्यादा कस्टमर होते हैं, अच्छे कस्टमर बेस होता है, कई तादाद में हमारा प्रोडक्ट बिकेगा तो हमें प्रॉफिट भी उस हिसाब से होगा। अब एक अच्छा कस्टमर बेस बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट देना होगा मार्केट में विद लो प्राइस, यानी कि जितना प्राइस कम होगा और क्वालिटी हाई होगा उतना हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो जितना प्रोडक्ट हमारा सेल होगा उतना हमको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जल्दी मिलेगा। अब हमको लो प्रोडक्ट, लो प्राइस और हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट जिस प्रोसेस के थ्रू बनेगा वो एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंसीडर किया जाता है। उस प्रोसेस को यानी कि अगर हम लोग हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट लो कॉस्ट में बना लेते हैं तो वो एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाती है। अब ये देखते हैं प्रोसेस होता क्या है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब है जिस प्रोसेस में उसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आई हो, उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम हो और इसमें रिजेक्शन सबसे ज़्यादा कम हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हाई इफेक्टिवली प्रोडक्ट हो, उसको बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल तरीका हो और उसमें प्रोडक्ट में जो रिजेक्शन निकल रहा है वो रिजेक्शन मिनिमम हो। तो ये सब चीज़ों को, तीनों चीज़ों को मिलाकर जो प्रोसेस बनेगी उसे बोलते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लेकिन दोस्तों, अपने को पता है कि किसी भी प्रोसेस में कुछ ना कुछ वेरिएबल्स जरूर होते हैं, तो उन वेरिएबल्स को कंट्रोल कर कर ही हम एक प्रोसेस को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोल सकते हैं। अब वो वेरिएबल्स क्या है हम जानते हैं, देख लेते हैं। 5 M's, किसी प्रोसेस को बनाने के लिए मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल एंड मेजरमेंट लगता है। ये सारे वेरिएबल है, मैन भी वेरी करता है, मशीन भी, मेथड भी, मटेरियल भी और मेजरमेंट। तो इन सारे वेरिएबल से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमको प्रोसेस में जनरेट होगी। अब प्रॉब्लम जनरेट होगी तो उसका सॉल्यूशन भी चाहिए। तो किसी भी प्रोसेस को एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनाने के लिए उस प्रॉब्लम का हमारे पास एक सॉल्यूशन भी होना चाहिए। अब ये तो नहीं है कि हर बार प्रॉब्लम फिक्स प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन भी फिक्स होगा, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम के तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका, एक सिस्टम, एक अप्रोच डिफाइन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अच्छा अप्रोच। तो गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जब हमारे पास होगी तो उससे हम लोग टाइम भी सेव कर पाएंगे, हमारा मॉरल बूस्ट होगा, लॉस जो हमारा प्रोडक्टिविटी का लॉस हो रहा है वो भी कम होगा, रिजेक्शन कम होगा और हमारी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। यानी कि अभी तक हमने देखा है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तभी संभव है जब हमारे पास एक गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जिसको कि जापान ने अडॉप्ट किया है, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को ही हम लोग बोलते हैं 7 टूल्स।
यानी कि क्वालिटी कंट्रोल टूल्स क्या है, एक गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, जिसमें कुछ क्वालिटी टूल्स के थ्रू डाटा को कलेक्ट किया जाता है, कुछ के थ्रू डाटा को एनालाइज किया जाता है, और कुछ के थ्रू रूट कॉज पर पहुंचा जाता है। तो किसी भी क्यूसी टूल्स आर फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट यूज टू इम्प्रूव द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि क्यूसी टूल्स से हम लोग किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी प्रोसेस को जब हम प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उस प्रोसेस के इंटरमीडिएट भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को भी टाइम टू टाइम समय पर और बहुत फास्ट उसको क्लियर करके हम लोग प्रोडक्शन की क्वांटिटी और प्रोडक्शन की रेट को, ओवरऑल इक्विपमेंट की एफिशिएंसी को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो क्वालिटी टूल हमारा किस तरह सपोर्ट करते हैं कि हमको वो जो प्रोडक्ट क्वालिटी में फ्लक्चुएशन होता है उसको कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं, और अगर कोई प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट आया है तो उस डिफेक्ट को रूट कॉज के साथ खत्म करते हैं, ताकि फ्यूचर में वो डिफेक्ट अपने आप को रिपीट ना करे। इस तरह से क्वालिटी कंट्रोल टूल हमारा प्रोसेस के साथ भी और प्रोसेस के बाद भी हम लोगों के प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो क्वालिटी टूल्स यूज करने के कुछ डायरेक्ट एडवांटेज भी हमको मिलते हैं, जैसे कि इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मिलती है, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, डिक्रीज कॉस्ट एंड इंक्रीज मार्केट। अब ये तो डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट इसके एडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रेन बिजनेस, हम लोग इस बिजनेस में बने रहते हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आता रहता है, और जब हम बिजनेस में बने हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो हम लोग मोर से मोर जॉब प्रोवाइड भी करा सकते हैं। तो यानी कि क्वालिटी कंट्रोल टूल्स एक तरह से अपने पूरे बिजनेस को चलाने के लिए सबसे जरूरी पार्ट बन गया है एक मॉडर्न और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। तो दोस्तों, ये सेवन क्यूसी टूल्स आखिर है कौन कौन से और क्या हैं? सेवन क्यूसी टूल्स आर बेसिक स्टैटिकल टूल्स यूज्ड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो टोटल सात क्यूसी टूल्स हैं। पहला है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, सेकंड वन इज फ्लो चार्ट, थर्ड इज चेक शीट, फोर्थ हिस्टोग्राम, फिफ्थ पैरेटो चार्ट, सिक्स कंट्रोल चार्ट एंड सेवन्थ स्कैटर डायग्राम। तो ये दोस्तों वन बाई वन इन सभी क्वालिटी टूल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की। तो दोस्तों, आप यहाँ पे जो फोटो देख रहे हो ये कौरो इशिकावा जापान का एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस फिश बोन डायग्राम, इशिकावा डायग्राम का इजाद किया है। आप चित्र से देख रहे हैं कि इसकी शेप फिश की तरह है, और तो इसको इसको फिश बोन डायग्राम बोलते हैं। और इस डायग्राम में क्या है कि सबसे पहले रेड कलर वाले जोन में प्रॉब्लम को लिखा जाता है, और उसके बाद जो प्रॉब्लम में वेरिएबल फैक्टर है यानी कि 5M और 1E, मैन मशीन मेथड मटेरियल मेजरमेंट और एनवायरनमेंट, जिसे कभी कभी मदर नेचर भी कहा जाता है, यानी कि 6MB हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलग अलग ब्रांचेज में इसको लिख दिया जाता है। तो इस कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को फिशबोन डायग्राम बोलते हैं, और साथ में इसको इशिकावा डायग्राम भी बोला जाता है। तो इस डायग्राम को बनाने का मोटिव है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट लीडिंग टू द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम के पीछे जो भी फैक्ट है उन फैक्ट को यहाँ पर लिखा जाता है, और फैक्ट का उस पर इफेक्ट क्या पड़ने वाला है प्रॉब्लम का, उसको यहाँ पर एनालाइज किया जा सकता है। ऐसे कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए मैन रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, मशीन हो सकती है, मेथड हो सकती है, मटेरियल भी हो सकता है, मेजरमेंट का तरीका भी उस प्रॉब्लम के लिए हो सकता है कि वो मेजरमेंट के तरीके से वो प्रॉब्लम आ रही हो, या कोई इन्वायरमेंट जैसे कि मॉइस्चर हो गया या एक्सेसिव हीट जनरेट हो गई है, तो वो भी इसका प्रॉब्लम को लीड कर सकता है। यानी कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम से हमारे दिमाग में जितने भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉज आ रहे हैं उन सब कॉज को लिखा जाता है, सारे फैक्ट्स को लिखा जाता है, और इन फैक्ट्स को वन बाई वन करके उनको वेरीफाई किया जाता है, और जो फैक्ट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये बताता है कि यस, इस फैक्ट की वजह से ही ये प्रॉब्लम है, उस फैक्ट को आगे फर्दर वाइवा एनालिसिस करके रूट कॉज तक पहुंचा जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही फेमस तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का। सेकेंड में बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट क्या होता है, हम किसी भी मेटेरियल को इनपुट से लेकर आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए उसमें जितने भी ऑपरेशन के लग रहे हैं उन सबको एक सीक्वेंस में अगर हम लोग जमा देते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मेनली क्या करता है कि पूरी प्रोसेस में जो पोटेंशियल वीकनेस है, तो पूरी प्रोसेस में पोटेंशियल वीकनेस को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। लाइक किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 स्टेप लगते हैं, तो उन 10 स्टेप्स को स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 करके हम लोग 10 स्टेप्स पूरा लिखते हैं, जिससे इनपुट मटेरियल हमारा आउटपुट में कन्वर्ट हुआ है। अब हम कोई डिफेक्ट आता है तो स्टेप वाइज हम लोग उस प्रोसेस को देखते हैं कि पर्टिकुलर किस प्रोसेस की वजह से इसमें डिफेक्ट आया है, तो हम लोग उस प्रोडक्ट उस प्रोसेस पर जाकर अटैक करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं।
तो यहाँ पर मेनली इट इज यूज टू एनालाइज पोटेंशियल वीकनेस इन द प्रोसेस। लाइक अगर हम लोग सिंपल टर्निंग की बात करते हैं कि किसी पार्ट को टर्न करते समय उसमें डेंट मार्क आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि टर्न करने के लिए उस पार्ट को चक में पकड़ना पड़ेगा, तो हो सकता है वो चक की वजह से उसमें डेंट मार्क आ रहे हो। तो ये टर्निंग की वजह से डेंट मार्क नहीं आके चक में होल्डिंग की वजह से उसमें डेंट मार्क आते हैं। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है उसको फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग पकड़ सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस में प्रोसेस के लिए जो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो फेलियर पार्ट है वो हो सकता है पुरानी लास्ट प्रोसेस से जनरेट हो रहा हो, तो फ्लो चार्ट के थ्रू उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। थर्ड आता है अपना चेकशीट। चेकशीट हम लोग सभी चेकशीट से बखूबी रोजाना डील करते हैं। उसमें चेकशीट का मेन मोटिव क्या होता है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फॉर एनालिसिस पर्पज, यानी कि किसी भी चेकशीट से हम लोग जो दिन भर का जो डाटा आ रहा है, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोसेस का जो डाटा रहा है उसको उस चेकशीट पे लिखते हैं और उसके बाद हम लोग उसको एनालिसिस कर सकते हैं या सेम टाइम पे एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं कि डेली ऑपरेटर की एक चेक शीट होती है या आवरली मॉनिटरिंग शीट होती है। लाइक हमको किसी मशीन पर पर्टिकुलर प्रोडक्शन करना है, 8 घंटे का हमारा प्रोडक्शन प्लान होता है शिफ्ट के हिसाब से, और हम लोगों को उसको हर घंटे में प्रोडक्शन प्लान में बांट देते हैं कि मशीन है उसमें प्रोसेस है और स्टार्ट 9 बजे प्रोसेस स्टार्ट होता है और वो शाम को 5 बजे तक चलता है। तो 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे में उसका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 100 पीस होना चाहिए और ऑपरेटर को बोल देंगे कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन होता है उसको आप राइट डाउन करो। तो फर्स्ट आवर में जैसे आप देख रहे हैं कि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक उसको 100 पीस बनाने हैं, उसने 100 पीस बनाए, यानी कि सुपरवाइजर लास्ट में आकर चेक करेगा हर घंटे के कि मेरा प्रोसेस सही चल रहा है, उसने 100 पीस बना दिए। लेकिन जैसे ही वो 10 से 11 बजे का टाइम होता है तो उसको 100 पीस ही बनाने चाहिए थे, सेम प्रोसेस है, सेम ऑपरेटर है और सेम कंडीशन है, लेकिन उसने 80 पीसेस बनाए, तो जो सुपरवाइजर है वो तुरंत इस बात पर एक्शन लेगा कि उसने 20 पीस क्यों नहीं बनाए, या 20 पीस अगर नहीं बने हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो वो उसी समय उस रीजन को किल करेगा। अगर उसने एक बार ये रीजन खत्म कर दिया तो अगले फिर 11 से 12 बजे के बीच में 100 पीस बनने चाहिए, वो 100 पीस बने, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में 100 पीस बनने चाहिए लेकिन वो 90 पीस बने। इसका मतलब जो सुपरवाइजर ने लास्ट टाइम जो एक्शन लिया था वो रूट कॉज के साथ नहीं लिया था। तो इसमें यहाँ पर अपने को डिटेल स्टडी करने की जरूरत है कि बार बार ये प्रॉब्लम क्यों अक्योर हो रहा है। तो इसके लिए हमने जो लास्ट में अभी थोड़ी देर पहले इशिकावा डायग्राम पढ़ा है उसका हम लोग मदद ले सकते हैं। तो चेकशीट भी यहाँ क्लियर है कि चेकशीट को किस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं कि डाटा कलेक्शन कैन बी यूज एज इनपुट डाटा फॉर अदर क्वालिटी टूल्स। नेक्स्ट आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है फ्रेंड्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बार फॉर्म, यानी कि हमारे पास जितना भी डाटा है वो डाटा अपने आप को जो रिपीट करता है उसको फ्रीक्वेंसी वाइज रिप्रेजेंट करने को ही हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम एक तरह से बार ग्राफ की तरह होता है, लेकिन हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में सबसे बड़ा अंतर यही है कि हिस्टोग्राम की जो बार्स होती हैं उनके बीच में गैप नहीं होता है, लेकिन जो बार चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, उसके बीच में गैप होता है। तो ये हिस्टोग्राम में जो आप एक बार देखते हैं, इस बार का जो एक एरिया होता है वो एरिया उसकी फ्रीक्वेंसी को बताता है कि किसी डाटा ने अपने आप को कितनी बार रिपीट किया है। तो मेनली हिस्टोग्राम है टाइम ड्यूरेशन स्टडी ऑफ डाटा और द सेम प्रोसेस, यानी कि कोई भी डाटा अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है, अगर वो हमको जानना है तो उसके लिए हमको हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग बात करें कि शॉप फ्लोर में 100 मशीन है, अब 100 मशीन का टेम्परेचर रेंज हम लोग डिफाइन करते हैं, तो 100 मशीन का कुछ टेम्परेचर आता है, उसके हिसाब से टेम्परेचर का ग्रुप जोन बनाकर, यानी कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 बनाकर एक हिस्टोग्राम बनाते हैं। अगर हिस्टोग्राम जो पहले नंबर वाला ग्राफ जैसा आता है, यानी कि डाटा अपने आप को सेंटर की तरफ डाटा सबसे ज्यादा है और प्लस और माइनस की तरफ डाटा कम होता जा रहा है, यानी कि जो भी प्रोसेस है, जो भी डाटा है, जो अपने आप को सेंटर की तरफ कर रहा है, यानी कि एक बेल कर्व बना रहा है, बेल कर्व यानी जो उल्टा घंटा होता है उसकी तरह, तो ये हम बोलेंगे कि ये प्रोसेस स्टेबल है, यानी कि जो भी प्रोसेस से डाटा निकल कर आ रहा है वो डाटा सेंटरिंग कर रहा है, अपने आप को सेंटर की तरफ जा रहा है, तो ये प्रोसेस स्टेबल है। इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या बेल शेप कर्व। लेकिन जैसे हम दूसरे ग्राफ की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि डाटा एक तरफ ज्यादा झुका हुआ है, यानी कि वो प्लस की तरफ ज्यादा जा रहा है, यानी कि हमारी प्रोसेस में जो डाटा जनरेट हो रहा है वो प्लस की तरफ भाग रहा है, यानी कि हमारा जो अपर क्रिटिकल लिमिट है उसको कभी भी डाटा क्रॉस कर सकता है, यानी कि ये डेविएशन आने वाला है प्रोसेस में, हमको इंडिकेट करता है। तो इस वाला जो ग्राफ है जिसमें एक तरफ डाटा भागता होता है उसको स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ नंबर 1 और 2 दोनों में 1 है जो हमारी प्रोसेस को स्टेबिलिटी की ओर इशारा करता है और 2 नंबर है जो हमारे को ये बताता है कि हमारे प्रोसेस में अब डेविएशन आने वाला है। तो इसी तरह हिस्टोग्राम कई सारे हो सकते हैं, उनको हम लोग डबल पीक्ड
बाईमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, प्लेट्यू, मल्टीमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, एज पीक डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो ग्राफ दिखते कैसे हैं वो हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे। डबल पीक बाईमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पीक होते हैं, प्लेट्यू मल्टीमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, और एज पीक डिस्ट्रीब्यूशन लगभग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होता है, लेकिन बस इसमें जो लास्ट वाला डाटा होता है वो एक हाई पीक को पकड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं एज पीक डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों इन सब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है वो हम लोग आने वाले वीडियोज में देखेंगे डिटेल स्टडी, क्योंकि एक इतने से वीडियो में सारा कुछ समझाना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग चल रहा है। लास्ट सेकेंड नेक्स्ट आता है अपना पारेटो चार्ट। पारेटो चार्ट का मेन मोटिव क्या है, टू प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम इन ग्राफिकल फॉर्म। अभी जैसा हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस में जो प्रॉब्लम, कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, अब वो सारी प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग मेजर मेजर प्रॉब्लम्स को ले लेते हैं, यानी कि हम उन मेजर प्रॉब्लम को ले लेते हैं जो कि मेजर रोल प्ले कर रही हैं। और स्टडी से पता चला है कि केवल 20% प्रॉब्लम्स होती हैं वो 80% इम्पैक्ट करती हैं, बाकी की जो 80% प्रॉब्लम्स हैं वो केवल 20% इम्पैक्ट करें, यानी कि अगर हम लोग 80% इम्पैक्ट को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी प्रोसेस में हम लोग काफ़ी कुछ सुधार कर सकते हैं। तो उसके लिए 80% इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमको स्टार्टिंग की दो या तीन प्रॉब्लम्स यानी कि 20% प्रॉब्लम पर ही अटैक करना पड़ेगा, जैसा कि आपको ग्राफ से भी दिख रहा है प्रॉब्लम और फ्रिक्वेंसी। इसमें स्टार्टिंग की तीन जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो लगभग 80% रिजेक्शन को इफेक्ट कर रही हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं, तो हम लोग इन तीन मेजर प्रॉब्लम पर ही अटैक करेंगे तो हमको अच्छे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं, टेबल को देखते हैं, तो इसमें डिफेक्ट दिया हुआ है, टोटल डिफेक्ट के नंबर दिए हैं, डेंट 5 है, रस्ट 9 है और मार्क 4 है। तो अगर मैं पारेटो चार्ट बनाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे मुझे सबसे टॉप पर रखना पड़ेगा रस्ट को, यानी कि अगर मैं रस्ट पे काम करता हूँ तो मेरे लगभग 50% प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, अगर रस्ट को मैं सॉल्व कर देता हूँ तो। लेकिन एक इसके ऊपर भी पारेटो चार्ट के ऊपर भी एक चार्ट आता है वेटेज पारेटो। वेटेज पारेटो क्या होता है, वो नंबर ऑफ डिफेक्ट पे ना जाकर उसके वेटेज पे जाता है, यानी कि अगर डेंट 5 डेंट है और एक डेंट का कॉस्ट 110 है तो टोटल वेटेज रहेगा 550, गलती से यहाँ 600 लिखा हुआ है लेकिन वो वेटेज देगा 550। रस्ट 9 वो लेकिन 50 रुपीज का है तो वो रहेगा 450, और मार्क 4 है और 30 रुपीज उसका इफेक्ट है तो रहेगा 120। तो हम अगर वेटेज परेटो बनाने जाएंगे यहाँ पर तो हमको वेटेज परेटो डेंट का बनाना पड़ेगा ना कि रस्ट का, यानी कि अगर हम लोग डेंट को कंट्रोल करेंगे तो हम लोग कॉस्ट वाइज वेटेज वाइज सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो वेटेज परेटो क्या होता है, वेटेज परेटो चार्ट यूज टू क्वांटिटी of defect multiply by their cost to determine the order, यानी कि जो normal Pareto है वो numbers defects पर लेकर बनाया जाता है और जो weightage Pareto है वो उसके defects के कारण होने वाले cost impact को लेकर बनाया जाता है। तो Pareto simple है कि problem को prioritize करना है और उसको solve करना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट इन प्रोसेस यूज में किया जाता है, यानी कि रनिंग प्रोसेस में अगर हमको कंट्रोल करना है तो हम लोग कंट्रोल चार्ट यूज करेंगे। कंट्रोल चार्ट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अब कंट्रोल चार्ट को कौन से कंट्रोल चार्ट को कब यूज करना है वो हमको डिपेंड करेगा कि हमारा सिलेक्शन कैसा है, सैंपल साइज कैसी है, डाटा वेरिएबल है, एट्रीब्यूट डाटा है, वो सारा कुछ। तो इसको स्टार्टिंग समझते हैं, अगर डाटा टाइप हमारा वेरिएबल डाटा है तो वेरिएबल डाटा में भी हम लोग बात करेंगे, अगर सैंपल साइज 1 है तो हम XIMR और IMR या इंडिविजुअल मूविंग रेंज चार्ट यूज करेंगे। अगर सैंपल साइज 2 और 10 के बीच में है, 2 है या 10 तक है, तो हम XBAR चार्ट यूज करेंगे, इसको एवरेज एंड रेंज चार्ट भी कहते हैं। लेकिन डाटा हमारा 10 से ज्यादा है तो हम लोग XBAR S चार्ट यूज करेंगे जिसको एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट कहते हैं। अगर हमारा डाटा एट्रीब्यूट डाटा है यानी कि यस नो की फॉर्म में या ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में, तो हम आगे देखेंगे हमारा परसेंटेज डाटा या काउंटेबल डाटा है, यानी कि डिफेक्टिव यूनिट्स की बात कर रहे हैं या डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर कॉन्स्टेंट है, अब इसमें भी हम देखेंगे कि डिफेक्टिव यूनिट और परसेंटेज डाटा की बात कर रहे हैं, तो हमारा सैंपल साइज अगर कॉन्स्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, तो हम एनपी चार्ट या नंबर डिफेक्ट पर सैंपल या पी चार्ट फ्रैक्शन डिफेक्टिव। अगर हमारा वेरिएबल साइज, हमारा सैंपल साइज अगर वेरिएबल यानी चेंजिंग हो रहा है तो हम लोग पी चार्ट को यूज में करेंगे। अब अगर हमारा काउंट डाटा या डिफेक्ट्स पर हम लोग बात कर रहे हैं, डिफेक्टिव यूनिट्स पर नहीं डिफेक्ट्स पर बात कर रहे हैं, डिफेक्ट्स पर बात कर रहे हैं और कॉन्स्टेंट है ना या इंस्पेक्शन यूनिट कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग सी चार्ट या यू चार्ट कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा अगर चेंजिंग यानी वेरिएबल एन है यानी सैंपल साइज वेरिएबल हो रहा है अपना, तो हम लोग यू चार्ट यूज में करेंगे। तो दोस्तों इस टेबल के थ्रू हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा डाटा कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो कंट्रोल चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है, उसमें कुछ लिमिट्स होती है, अपर क्रिटिकल लिमिट और लोअर क्रिटिकल लिमिट। तो प्रोसेस को हम लोग ऑनलाइन मॉनिटर करते हैं, ऑन टाइम मॉनिटर करते हैं यहाँ पर कि हमारा प्रोडक्ट किस लिमिट के अंदर आ रहा है। अभी नीचे वाले ग्राफ से आपको स्पष्ट है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो लोअर क्रिटिकल लिमिट की तरफ आगे जाता जा रहा है, यानी कि हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम यानी कि किसी भी प्रोसेस में अगर कोई दो वेरिएबल हैं और उन दो वेरिएबल के बीच में हमको रिलेशन जानना है, तो हम लोग स्कैटर डायग्राम का यूज करते हैं टू चेक द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। इसको हम कोरिलेशन चार्ट भी कहते हैं। इसके लिए बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसमें एक एक्स और वाई दो एक्सिस है, एक एक्सिस पर हम लोग एक वेरिएबल, दूसरे एक्सिस पर दूसरा वेरिएबल लेते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि कोई एज ग्रुप है 20 से 23 साल का, 24 से 26 साल, 27 से 29 साल, और वो दिन भर में जो विजुअल करते हैं, विजुअल प्रोसेस करते हैं, विजुअल प्रोसेस में इतने सारे उनको डिफेक्ट मिलते हैं। यानी कि जो ये एक इंडस्ट्री है जिसमें विजुअल करके मेटल को आगे सप्लाई किया जा रहा है, यानी कि जो विजुअल में डिफेक्ट छोड़ देते हैं, यानी कि 20 से 23 साल का जो उम्र है वो दो विजुअल डिफेक्ट छोड़ दे रहा है, 24 से 26 साल का 2.5 विजुअल इफेक्ट छोड़ दे रहा है, 27 से 29 साल का एवरेज 2.9 डिफेक्ट छोड़ दे रहा है। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वो डिफेक्ट को छोड़ने का काम, जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता जा रहा है, जैसे डिफेक्ट को छोड़ने का काम ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि हमारा प्रोसेस में ज्यादा उम्र के लोग ज्यादा डिफेक्ट छोड़ रहे हैं, यानी कि वो डिफेक्ट को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग उसको एक्स वाई पे प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ मूव करती हुई नजर आती है, ग्रीन कलर की जो लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ में, इस स्कैटर डायग्राम में ये रिलेशन बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है कि एज के बढ़ने के साथ साथ वो लोग जो विजुअल एरर है उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं और उनको छोड़ने की उनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन, यानी कि एज का एरर के साथ रिलेशन है, हम लोग इसको बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशन। अब नो रिलेशन जब होगा, जब इसमें किसी भी तरह का कोई ग्राफ आपस में कोई आकृति नहीं बना रहा है, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर रैंडमली वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं सारे डाटा, तो इसका मतलब है इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और नेगेटिव रिलेशन यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ एक्स एक्सिस की ओर आगे आगे बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे एक्स एक्सिस की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव रिलेशन है। यानी कि जो हम लोग पहले पॉजिटिव रिलेशन में बात कर रहे थे कि एज के साथ ये बढ़ रहा है, तो नेगेटिव रिलेशन में एज के साथ ये कम होता जाएगा, यानी कि ज्यादा एज वाले लोग ज्यादा डिफेक्ट को पकड़ेंगे और कम डिफेक्ट को छोड़ेंगे। तो ये स्कैटर डायग्राम होता है जो कि दो वेरिएबल्स के बीच में अपने को रिलेशन बताता है। इससे भी हम लोग किसी भी प्रोसेस में प्रोड्यूस होने वाले डिफेक्ट्स को हम लोग नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 7 QC tools के बारे में एक समरी पढ़ ली है। अब कौन से टूल्स को कहाँ यूज करना है वो एक आपको एक स्लाइड पर मैं बता देता हूँ। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम व्हेन देर आर वेराइटी ऑफ पॉसिबल कॉजेज, फ्लो चार्ट टू एनालाइज पोटेंशियल वीकनेस इन द प्रोसेस, चेक शीट कब यूज करना है, टू रिकॉर्ड ऑन टाइम डाटा फॉर एनालिसिस पर्पज। अगर आपको ऑन टाइम डाटा चाहिए एनालिसिस पर्पज, तो आप चेक शीट यूज किए। हिस्टोग्राम कब यूज करना है, टू समराइज एंड एनालाइज द प्रोसेस इन बार फॉर्म। हमारे पास बहुत सारे डाटा है, उनको हम लोग समराइज करके कुछ रिजल्ट निकालना है, तो हम लोग हिस्टोग्राम यूज करेंगे। पारेटो चार्ट कब यूज करेंगे, जब हमको किसी प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करना है। किसी प्रोसेस में 20 प्रॉब्लम है, उनमें से हमको 5 प्रॉब्लम्स को, 4 प्रॉब्लम को, 3 प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करके किल करना है, तो हम लोग पारेटो चार्ट यूज करेंगे। कंट्रोल चार्ट हम लोग कब यूज करेंगे, टू टू कंटिन्यूसली मॉनिटर द प्रोसेस, मतलब जब हमारा प्रोडक्शन चल रहा है तो उसी समय उस प्रोसेस को हमें अगर कंट्रोल करना है, तो हम लोग कंट्रोल चार्ट्स का यूज करेंगे। स्कैटर डायग्राम कब यूज करेंगे, जब हमको देखना है कि किसी दो वेरिएबल के बीच में आपस में कोई रिलेशन तो नहीं है। अगर उनके बीच में कोई रिलेशन है और वो पॉजिटिव है तो उसमें अपन एक्शन ले सकते हैं, नेगेटिव है तो कुछ एक्शन ले सकते हैं। यानी कि हम लोग 7 QC tools को कब कब यूज करना है वो इस शीट से आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि सारे क्यूसी टूल एक साथ यूज किए जाएं, कुछ दो या तीन क्यूसी टूल को यूज करके हम रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं, या फिर एक क्यूसी टूल को यूज करके हम वो किसी परिणाम तक पहुंच सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये 7 QC tools का इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आ गया होगा और आप इसको यूज करने लायक बन जाएंगे। अभी एक इंट्रोडक्शन मेल स्लाइड रहेगा, उसमें हम लोग डिटेल वन बाई वन सारे क्यूसी टूल्स को कंट्रोल करेंगे। अभी वाले जो स्लाइड्स हैं इसमें आपको केवल ये पता चलेगा कि 7 QC tools होते क्या हैं और उनको कहाँ यूज करना है, उनको किस तरह से हम लोग इंडस्ट्री में एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डेवलप करने के लिए यूज में ले सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो भी मुझे सुना, जो भी देखा, उसके लिए थैंक यू। आप इस वीडियो को बार बार या दो तीन बार देखिएगा, जिससे आपके दिमाग में 7QC टूल्स के बारे में एक इमेज फिक्स हो जाए, ताकि जब मेरा अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा तो अपने को एक बेसिक क्लियर रहेगा और हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे 7QC टूल डिटेल्स को। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।